यू आर वेरी आउटस्पोकन, आप बहुत मुंह फट हैं जैसे आप कहती हैं, और आप कह रहे हैं कि आप अपनी रेगुलर लाइफ में वापस चली जाती हैं कंटोनमेंट में, आर्मी में, यू हैव ग्रोन अप. तो जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये सब विवाद होता है तो आपको कैसा लगता है? आपको लगता है कि मैं अपनी सेलिब्रिटी स्टेटस यूज करके कुछ बोलूं? पर आप एक्ट्रेस भी हैं तो आप कुछ बोल नहीं रही, सो यू नो आप अपने उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करती हैं? यू नो जैसे मैंने पहले बोला ना कि बहुत सी बार आपको तभी कुछ करना चाहिए अगर उसका कुछ एक्चुअल इमीडिएट इफेक्ट हो सकता है या उससे कुछ हो सकता है. मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता सकती हूँ. मुझे पता है जब मेरे फादर यू नो जेएनके में पोस्टेड थे और कारगिल वॉर चल रहा था उस समय पे मुझे याद है कि जब भी हम स्कूल से वापस आते थे मेरी मम्मी बस टीवी के सामने पूरे समय बैठी होती थी, बिकॉज फोन मतलब एक दो महीने में तीन महीने में एक बार कॉल आता था, वो भी नहीं पता होता था कहाँ से फोन कर रहे हैं, बहुत ही अजीब सी बात करते थे, समझ नहीं आता था क्या बोल रहे हैं, ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे, ज्यादा देर तक बात नहीं हो पाती थी, और मम्मी बस टीवी देखती रहती थी और वो न्यूज वो टिकर पे जो नीचे आता है ना, फील सो वियर्ड सेइंग इट आल्सो, बट डेथ ऑफ लाइक द सोल्जर यू नो वो ऐसे पढ़ती थी. तो आई हैव गॉन थ्रू दैट पर्सनली, मैंने वो एक्सपीरियंस किया. मेरे फादर इन्फेंट्री में थे, यू नो विच इज द यू नो द फाइटिंग आर्म ऑफ आर्मी, एंड मैं जानती हूँ कि एक सोल्जर की फैमिली और एक सोल्जर क्या क्या सहते हैं यू नो व्हेन दे यू नो डूइंग देयर जॉब्स. तो जब अगर मैं अपनी प्रेजेंट लाइफ से इसको यू नो रिलेट करूँ, वो तब था. आज जब ऐदिल मुश्किल इतने बड़े विवाद में जब आई थी यू नो जब फवाद खान का टॉपिक छिड़ा था, तब मेरे को बस एक बात समझ में आई थी. जो सेंटिमेंट था लोगों का वो मैं समझ सकती थी पूरी तरह से, लेकिन मैं इतना जानती थी कि जो बॉर्डर पे इंसान लड़ रहा है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगर कोई एक फिल्म रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है. यू नो उनकी लाइफ वो एक्चुअल इश्यूज के साथ डील कर रहे हैं, ये बहुत ही एक ये इट्स नेग्लिजिबल दिस थिंग यू नो. एंड आई फील लाइक बिकॉज आई एम एन यू नो सोल्जर्स डॉटर, आई अंडरस्टैंड दैट वॉट दे आर डूइंग इज द रियल डील. और इस बारे में मेरा कुछ बोलना या मेरी बात करना इट इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस एंड इट मेक्स नो डिफरेंस टू द एक्चुअल सिचुएशन. सिमिलरली ऐदिल का रिलीज होना ना रिलीज होना डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू द एक्चुअल सिचुएशन दैट वी वर डीलिंग विद. सो आई फील लाइक फालतू में किसी चीज के बारे में बात करना जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट एंड यू वॉन्ट टू लाइक यू नो हैव समथिंग टू स्पीक अबाउट या किसी बात के बारे में यू नो लोगों को अपने ओपिनियन देने, ये मुझे बहुत ही सस्ता लगता है. सो दैट वॉज माई फीलिंग यू नो टूवर्ड्स इट.